हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग कंसेप्ट चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसपी पेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक दो प्रोग्राम सीखे हैं सर्वलेट में, और सर्वलेट के थोड़े कंसेप्ट को सीखे हैं कि कैसे काम करता है। तो अब हम जीएसपी को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जीएसपी में हमें जैसे कि पता है कि सर्वलेट पेज में हम प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखते हैं। सब जितने भी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, डेटा से हम डेटा कैसे लेते हैं, जो उसमें लॉजिक होते हैं वो हम लिखते हैं। अब हम जीएसपी पेज क्या है दोस्तों, जीएसपी पेज जो होता है वो सर्वलेट पेज का एक्सटेंशन है। मतलब सर्वलेट पेज को एडवांस में, सर्वलेट पेज का एडवांस होता है। और दोस्तों ये बता दूं कि जीएसपी में जो हम कोडिंग करते हैं वो इजियर होता है सर्वलेट से। जो हम सर्वलेट में कोडिंग करेंगे और जीएसपी में कोडिंग करेंगे, दोनों का जो इम्पैक्ट होगा वो सेम होगा, बट जो इजी होता है कोड करना वो जीएसपी में होता है। हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जीएसपी जो हमारा होता है वो एक एचटीएमएल के जैसा होता है। जीएसपी पेज हमारा जो होता है एचटीएमएल के जैसा होता है, उसमें हम अपने सर्वलेट के कुछ कोड डाल सकते हैं। मतलब हम एक एचटीएमएल पेज में, जैसे हम अगर हमें एचटीएमएल पेज में ऐसा फंक्शन होता कि हम थोड़ा सर्वलेट या थोड़ा प्रोग्रामिंग कर सके एचटीएमएल में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एचटीएमएल में हम कोई भी डेटा प्रोसेसिंग का सिस्टम नहीं कर सकते, उसमें हम सिर्फ यूजर इंटरफेस बनाते हैं इनपुट आउटपुट का। तो जैसे कि एचटीएमएल में थोड़ा सा हम कोडिंग करेंगे तो वो हमारा जीएसपी होता है फ्रेंड्स। तो जीएसपी हमारा मतलब HTML के थोड़े से में JSP हो जाएगा अगर कोड करेंगे HTML में तो। और जो हमारा सर्वलेट होता है वो प्योर जावा होता है। प्योर हमारा जैसे कि एक जावा क्लास होता है, वैसा ही हमारा सर्वलेट होता है। हम उसमें बोल सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत HTML का कोड डाल सकते हैं सर्वलेट में, और हम JSP में थोड़ा सा जावा का कोड डाल सकते हैं। अब डिफरेंस समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब JSP में थोड़ा HTML हम डाल सकते हैं, सॉरी जीएसपी में थोड़ा जावा हम डाल सकते हैं, और सर्वलेट में थोड़ा सा HTML डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बट जो जीएसपी होता है वो फास्ट नहीं होता है। हमारा सर्वलेट जो होता है फास्ट होता है, मतलब सर्वलेट जो होता है वो रन करता है फास्टर देन जीएसपी। बिकॉज जब हम जीएसपी पेज बनाते हैं तो उसके बैकएंड में उसका सर्वलेट पेज ही बनता है। जब हम जीएसपी को कंपाइल करने जाते हैं तो वो कंपाइल होता है सर्वलेट पेज में। दोस्तों, जब हम जीएसपी पेज को क्रिएट करते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग उसका सर्वलेट पेज ही बनते जाता है। हम आपको प्रोग्रामिंग जब करेंगे अभी हम तो दिखाएंगे कि हम जीएसपी के बैकएंड में जो सर्वलेट पेज क्रिएट होता है वो कैसे होता है। दोस्तों, जो हमारा ये बहुत ही इजी होता है कोड करना जीएसपी में देन सर्वलेट, सर्वलेट से इजी होता है जीएसपी में कोड करना दोस्तों। और जैसे जो दोस्तों जो जीएसपी होता है ना, वो जनरली प्रिफर्ड तब हम करते हैं जब हमें ज्यादा कोई प्रोसेसिंग, डेटा का कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, ज्यादा कुछ डेटा का प्रोसेसिंग नहीं करते, उसमें कोई लॉजिक हमें नहीं लगाना होता है, तो हम जीएसपी का यूज करते हैं। लेकिन जब सर्वलेट जो होता है वो बेस्ट होता है, जब हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है डेटा प्रोसेसिंग का और प्रोग्रामिंग लॉजिक का। अगर दोस्तों हम एडवांस में देखेंगे, जैसे कि हम एमईसी में अगर देखेंगे तो जो हमारा जीएसपी पेज होता है वो एज ए व्यू यूज करते हैं, और जो हमारा सर्वलेट होता है वो एज ए सर्वलेट होता है वो एज ए कंट्रोलर यूज होता है। मतलब एमईसी जो हमारा होता है, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, उसमें जो हमारा व्यू होता है वो जीएसपी के जैसा जीएसपी यूज करते हैं व्यू के लिए, और जो हमारा कंट्रोलर होता है दोस्तों उसके लिए हम यूज करते हैं सर्वलेट। तो फ्रेंड्स, हम सीखते हैं कैसे जीएसपी पेज क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सा वही वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। एक सिंपल सा हम इसमें ये सीखेंगे कि हम जीएसपी पेज क्रिएट करते हैं, एक जीएसपी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में हमारा सर्वलेट पेज कैसे क्रिएट होता है, और हम कैसे थोड़ा सा डेटा प्रोसेसिंग का सिस्टम कर सकते हैं जीएसपी में, छोटा सा एग्जांपल के साथ सीखेंगे फ्रेंड्स।
ओके तो हम इसमें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जावा वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। इसमें सिंपल जीएसपी एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिफॉल्ट पेज क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक एचटीएमएल का, जो इंडेक्स पेज होता है। इसमें सिंपल जीएसपी एग्जांपल सीखेंगे हम। तो फ्रेंड्स एक्सएमपीली ओके। और फ्रेंड्स ये सिंपल जीएसपी एग्जांपल में हम यहाँ पे जैसे हम सर्वलेट पेज ऐड करते थे, यहाँ पे हम जीएसपी पेज ऐड करेंगे। सिंपल वेब पेज में कभी जो हमारा जीएसपी पेज होता है, अब तक हम जो सर्वलेट पेज ऐड करते थे वो सोर्स पैकेजेस में आता था, बट अगर हम जीएसपी पेज ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा वेब पेज में आएगा, एचटीएमएल के नीचे आएगा। ये जो एचटीएमएल पेज है यहाँ पे ऐड होगा फ्रेंड्स। तो इवन हम यहाँ पे भी अगर ऐड करेंगे जीएसपी पेज तो वहाँ पे ही हो जाएगा। न्यू किया मैंने यहाँ पे न्यू जीएसपी। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे जीएसपी क्रिएट किया सिंपल। न्यू जीएसपी बस, और हमें कुछ भी नहीं, यही कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें कुछ भी सेगमेंट कुछ भी सिंपल सा हम सीख रहे हैं तो हम सिंपल सा बस नेम प्रोवाइड करेंगे जीएसपी पेज का, न्यू जीएसपी करके सिंपल। अब हमारा जीएसपी पेज सिंपल क्रिएट होके आ जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे एकदम एचटीएमएल के जैसा है, एकदम प्योर एचटीएमएल के जैसा है, बट यहाँ पे इसमें बहुत सारे डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि जीएसपी डायरेक्टिव्स होते हैं। देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक डायरेक्टिव वहाँ पे पहले से ही है, ये वाला जो हमारा पेज डायरेक्टिव होता है। ऐसे ही हमारे पास इंक्लूड डायरेक्टिव भी होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हैंग कर रहा है फ्रेंड्स आरसीपी, चलिए अब हम इसमें कोड करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम कोड जो हम लॉजिक लगाने वाले हैं जीएसपी पेज में, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ बॉडी देख रहे हैं, यहाँ पे एच वन हेडिंग टैग है, तो आप कहीं पे भी अगर आपको यूज करना रहेगा तो आप स्क्रिप्टलेट टैग यूज कर सकते हैं वहां पे। जैसे ये मैं ओपन एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पे इंटेलिजेंस शो कर रहा है, फिर यहाँ पे मॉडुलो का साइन है, फिर मॉडुलो का साइन, फिर क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, ये हमारा ब्लॉक हो जाता है। इसके अंदर हम अपना डेटा प्रोसेसिंग का कुछ भी कोड करते हैं फ्रेंड्स। जैसे उसमें हम लोग यूज करते थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, अब हमारा जो ये है सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, हम इसमें अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक लगाएंगे, बाकी का हमारा सिंपल एज इट इज एचटीएमएल जैसा होता है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया कि जीएसपी पेज में हम थोड़ा जावा कोड इम्प्लीमेंट जावा कोड डाल सकते हैं। जीएसपी तब यूज करते हैं जब थोड़ा ही डेटा प्रोसेसिंग का यूज होता है किसी भी प्रोग्राम में। जब कभी भी ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग और लॉजिक का यूज करते हैं तो उसके लिए हम प्रीफर करते हैं सर्वलेट पेज को यूज करना फ्रेंड, हम जीएसपी पेज को उसमें नहीं करते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसमें देखना है, जिसमें हम जीएसपी पेज का यूज करेंगे। हम आगे दो वीडियो और बनाएंगे जीएसपी पे, जिसमें हम बताएंगे जेडीबीसी का, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, बट हम इस वीडियो में सिंपल सा हम यहाँ पे एचटीएमएल पेज से डेटा यहाँ पे लेके आएंगे और हम आपको बताएंगे कि इसके करेस्पॉन्डिंग हमारा सर्वलेट पेज कहाँ पे क्रिएट होता है। ओके फ्रेंड तो हम जस्ट जाते हैं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, यहाँ पे एक जस्ट यहाँ पे यो बनाएंगे नेम करके, आपने नेम किया, सॉरी यहाँ मैंने नेम लिया, नेम में बोला कि इनपुट टाइप
इक्वल टू टेक्स्ट नेम दिया मैंने टाइप का, तो हमने T1 दे दिया, पहला टेक्स्ट है, फ्रेंड्स क्लोज किया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया कि एड्रेस सिंपल सा AWDREWS एड्रेस में फ्रेंड्स ने डाल दिया कि मैं बोल दिया इनपुट टाइप इसको तुमने किया टेक्स्ट, यहाँ पे भी हमने नेम इसको दे दिया टेक्स्ट का, तो हमने T2 दे दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी हमने यहाँ पे एक बटन बना लिया, सब इनपुट टाइप लिखूंगा यहाँ पे इनपुट फ्रेंड्स टाइप इक्वल टू सबमिट, फ्रेंड्स इसको नेम दे दिया इक्वल टू B1 दे दिया। और यहाँ पे हमने वैल्यू को भी हमने सबमिट दे दिया कि भाई सबमिट करो, ये हमारा वैल्यू दिखेगा ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसको क्लोज कर दिए। एक और बटन ले रहे हैं सब रीसेट का, तो हम फील्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, टाइप इक्वल टू रीसेट हमने कर दिया यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे रीसेट डाल दिया, इसको भी हमने नेम दे दिया, हमारा B2 हो जाएगा बटन टू शॉर्ट फॉर्म BALUT, वैल्यू में हमने दे दिया कि रीसेट कर दो वापिस से। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये सब हो गया सिंपल सा, हम इसको थोड़ा सा CSS दे देंगे बिकॉज थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ नहीं। यहाँ पे हर बार हम देखो स्टाइल का यूज कर रहे हैं, स्टाइल टैग का यूज कर रहे हैं STYLE। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लोजिंग टैग इसका हम STYLE। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्टाइल टैग का हमारा क्लोजिंग हो गया, स्टार को डिलीट करो। ओके, तो यहाँ पे D हमारा एज HTML का टैग है, तो एक सेलेक्टर का काम करेगा। हम इसका दे दिए HEI हाइट में दे दिए हम इसका 50 pixel, हमने WYDTH विड्थ में हमने दे दिया, हमने विड्थ का इसको दे दिया 150 pixel, नहीं तो 100 pixel ले दिया, 100 pixel ले दिया। ओके फ्रेंड्स, हमने कंट्रोल एक्स इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर में हमने 2px सॉलिड ब्लैक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, अच्छा ये प्रॉब्लम है 2px सॉलिड ब्लैक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने हमेशा बॉर्डर रेडियस यूज करता हूँ बिकॉज बॉर्डर रेडियस बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने रेडियस होगा एक्चुअली में, अरे बॉर्डर रेडियस में यहाँ बॉर्डर रेडियस में डाल दे रहे हैं 10 pixel हमारा हो जाएगा। और हम इसको मार्जिन दे देंगे फ्रेंड्स, तो चिपका नहीं रहेगा एक साइड कॉर्नर में, मार्जिन दे देंगे इसको 10 ऊपर से और 38 ज़्यादा देंगे लेफ्ट से क्योंकि वो छोटा है फील्ड। और यहाँ पे हम पैडिंग भी दे देंगे, जो हमारा कंटेंट है डिवीजन के अंदर का वो बॉर्डर से चिपका नहीं रहेगा। इसको मैंने इसको 3% हमने इसको दे दिया, पूरे एरिया का 3% वो पैडिंग में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको भी रन नहीं किया हूँ, तो इसको रन करता हूँ। जेएसपी पेज को बुल्ड करना पड़ता है बिकॉज जो मैं ये कोड ये जेएसपी पेज नहीं है, हमारा एचटीएमएल पेज है, हम जेएसपी पेज को बनाएंगे तो हम उसको बुल्ड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें फॉर्म भी हमें यूज करना पड़ेगा, फिलहाल अभी हम फॉर्म यूज कर रहे हैं, हमारा रन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये यहाँ पे क्रोम ओपन हो गया है, क्रोम ब्राउजर भी बहुत ये ले रहा है टाइम, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये ओपन हो गया मेरा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो उसका विड्थ जो होता है ज्यादा हो गया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका विड्थ बढ़ा देंगे, इसका हम विड्थ कर देंगे 190 करेंगे तो भी चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, इसका हाइट भी बढ़ा देंगे बिकॉज हाइट भी ज्यादा है होगा उसका, इसका हम 80 कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया, बट हमने यहाँ पे BR टैग नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हमारा इसको दो दो टैग BR दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
तो उसके लिए हमने वी आर एम नहीं देना चाहिए था एक्चुअली, बिकॉज ये साइड में आना चाहिए। तो इसका मैं हाइट थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, वीडियो का लेंथ फालतू में बड़ा हो रहा है ये सब चक्कर में। ओके, तो मैं नेम एड्रेस हमारा ये सब हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमने सिंपल सा एक फॉर्म बनाया हुआ है। अब यहाँ से हम एक जेएसपी पेज पे हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, डेटा वहाँ से यहाँ से लेके वहाँ तक जाएंगे और उसके बैक में हम सर्वलेट पेज का दिखाएंगे कैसे क्रिएट होता है। हमारा वीडियो का साइज 12 मिनट हो गया फ्रेंड्स, तो इसी के चक्कर में तो हम यहाँ पे अब जाते हैं जेएसपी पेज में। हमें इस फॉर्म में, इसके लिए एक फॉर्म में लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो कि हम ऊपर लेंगे बॉडी के अंदर फॉर्म लेंगे, एफ ओ आर एम, फॉर्म का नेम देंगे एफ वन, एम एक्शन, फुल टूम देंगे, हमारा नाम है न्यू जीएसपी ना, ओके न्यू जीएसपी डॉट जीएसपी फ्रेंड्स। ये भी इसमें एक डिफरेंस है, हम जब सर्वलेट पेज का नाम देते हैं, हम पिछले में जो सर्वलेट पेज का नाम दिए थे उसमें हम डॉट एक्सटेंशन यूज नहीं किए थे, यहाँ पे एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं डॉट जेएसपी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ पे हम फॉर्म को क्लोज कर देंगे, ओके कंट्रोल एस। जस्ट हम जाते हैं वहां पे जहाँ पे हमने स्क्रिप्टलेट टैग यूज किया हुआ है फ्रेंड्स। ये स्क्रिप्टलेट टैग होता है, यहाँ पे पेज डायरेक्टिव भी यूज हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे कंटेंट टाइप में हमने टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल, मतलब ये किस प्रकार का कंटेंट यूज करने वाला है, ये टेक्स्ट एचटीएमएल, टेक्स्ट के अंदर एचटीएमएल टाइप का वो यूज करने वाला है फ्रेंड्स। तो इसमें भी हम स्ट्रिंग टाइप का दो वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम लेंगे नेम, ये नेम ही नेम, इसमें हम स्टोर करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो फ्रेंड्स, तो इसमें गेट पैरामीटर में हमने t1 दिया, मतलब पहले का t1 लेके आएगा फ्रेंड्स। फिर हम स्ट्रिंग में दूसरे वेरिएबल को स्टोर करेंगे जो कि हमारा आई थिंक एड्रेस है। अब हम खुद का ही वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ से हम रिक्वेस्ट डॉट क्यू यू ई एस टी डॉट गेट पैरामीटर यूज करके फ्रेंड्स टाइम आर से कर ले, यहाँ पे t2 करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा दो हमने वेरिएबल ले लिया है। अब सिंपल सा हमें इसको शो करना है, जस्ट हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलाइन का यूज करेंगे, आउट डॉट print सॉरी एनटी प्रिंट ln का यूज करेंगे। न्यू लाइन हमेशा होता है, प्रिंट यूज करेंगे तो हमारा सिंगल लाइन में सब लिखते जाएगा, प्रिंट ln करेंगे तो एक लाइन ब्रेक देता है, ये न्यू लाइन से स्टार्ट करता है, कोई भी चीज को प्रिंट करना न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। तो बोलेगा कि वाई ओ यू आर योर नेम इज, थोड़ा स्पेस देंगे, यहाँ पे हम नेम लिख सकते हैं, ये हमारा नेम हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने फिर लिखूंगा कि योर आउट डॉट ओ यू टी डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एलन फ्रेंड्स, हम इसमें योर एड्रेस ही लिखेंगे, वाई ओ यू आर ए डबल डी आर ए डबल एस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम एड्रेस लिख दिए। तो यहाँ पे कुछ एरर है, कॉपी करते हैं, बिकॉज हमें यही हमने जो वेरिएबल इंस्टॉल किया था यहाँ पे, एक वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया था, उसको हमने वहाँ से डेटा प्रोसेस करके यहाँ पे लेके आया था, उसमें एड्रेस में सेव किया था, और वही एड्रेस मैं इसमें दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे बता दिए कि कैसे करते हैं। तो अभी हमें बस हमारा यही है, ये जो हमने डेटा प्रोसेसिंग किया वहाँ से यहाँ पे लेके आया और यहाँ से आउटपुट किया फ्रेंड्स ये। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा जो इसका सर्वलेट पेज क्रिएट हुआ है, इसे बाय डिफॉल्ट हमने पिछले लेक्चर में किया था कि सर्वलेट पेज क्रिएट करता था, जेएसपी तो हमने सीखा ही नहीं था। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि इसके पीछे इसका बैकएंड में सर्वलेट पेज भी हमारा क्रिएट होता है। तो हम देखते हैं हमारा एक बार बिल्ड होने के बाद व्यू सर्वलेट हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन बट एक बार प्रोग्राम को बिल्ड करना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है।
देखेंगे व्यू सर्वलेट करेंगे तो इसका सर द सर्वलेट एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म यू मस्ट रन द जेएसपी पेज फर्स्ट। तो हमने अभी इसको जेएसपी पेज को रन नहीं किया है स्टिल नाउ, तो हमें एक बार इसको बिल्ड भी करना होगा फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे बिल्ड कर दूंगा तो दिखेगा अब हमारा जो सर्वलेट पेज हो उसके अंदर क्रिएट हो गया। अब इसी टाइम पे क्रिएट हुआ जब हमने बिल्ड किया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम राइट क्लिक करेंगे, हम देखेंगे व्यू सर्वलेट। तो ये बोल रहा है कि एक बार रन करना ही पड़ेगा, हमने बिल्ड से काम नहीं चलेगा, हम रन करेंगे फ्रेंड्स। तो हम इसको रन किया, हमारा ये वाला पेज ओपन हुआ। अब हम यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे सिंपल नाम डाला अंकित, तो वो फर्स्ट टाइम रन होता है जेएसपी पेज तो उसको टाइम लगता है, तो वो रन कर रहा है। अच्छा ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है ना, क्यों रन हो रहा है, क्योंकि बिकॉज हमने जो यहाँ पे सर्विसेज में जो हमारा ग्लासफिश सर्वर है उस सर्वर को पहले स्टार्ट करेगा, तो ऑलरेडी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट किया इसने, तो उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख के आ गया योर नेम इज अंकित एंड योर एड्रेस इज सांता क्रूज ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि कैसे हमने इस पेज से उस पेज पे हमने गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रेक भी काम करता है हमारा, अगर हम यहाँ पे बी आर टैग यूज भी करते हैं तो भी हमारा यहाँ पे काम करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे बी आर एक्चुअली यूज नहीं करेंगे, कंट्रोल एक्स मार के यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, हर एक लाइन हमारा कंट्रोल वी ब्रेक से स्टार्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है H1 में, इसको हटा देंगे बिकॉज ऊपर हेलो वर्ड फालतू में आ रहा है। H1 पे हमारा हेडिंग टैग होता है, हम इसके अंदर भी हम H1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जैसे मैंने बोला था कि इसमें सिंपल हम HTML मतलब इसमें पूरा हमारा HTML होता है, तो हम इसमें फ्रेंड्स हम HTML में इसको भी अगर बोल्ड करना रहेगा फ्रेंड्स तो इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा हम H2 लिख देंगे, सेकेंड बिगेस्ट नंबर, सेकेंड बिगेस्ट हेडिंग, इसको ये हमारा H2 हो जाएगा, थोड़ा ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, बट ये डबल कोटेशन के अंदर कभी भी लिखने का, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लॉजिक लॉजिक के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन लगाया यहाँ पे H2 किया, फ्रेंड्स कंट्रोल H किया, R टाइप किया। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश नहीं कर सकते, वापस इसको रन करना पड़ेगा फ्रेंड्स बिकॉज हमें प्रोसेसिंग करना है। तो यहाँ पे वापस सेम नेम डालेंगे, सेम नेम डाला कि ऑलरेडी यहाँ पे है अंकित, तो ये हमने ये डाला। अगेन इट इज टेकिंग टाइम। ओके फ्रेंड्स, तुम देख सकते हो यहाँ पे योर नेम इज अंकित एंड योर एड्रेस इज संदा ग्रोजिस्ट, मतलब ये जेएसपी पेज पे कैसे वो किया। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट में हमारा न्यू जेएसपी में जो हमने जेएसपी पेज है इसका सर्वलेट पेज कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे व्यू सर्वलेट किया, अब हमें उसका सर्वलेट पेज दिखेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे न्यू जेएसपी करके खुल गया फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना सारा कोड हमारे जेएसपी पेज के पीछे हुआ है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इतना सारा कोड हमारे जेएसपी पेज के, हम ये नॉन एडिटेबल होता है, अगर चाहोगे इसको एडिट करना तो एडिट नहीं होगा फ्रेंड्स, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है कंपाइलर के थ्रू क्रिएट होता है फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे कि जो मैंने वहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो हमारा कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा नाम आता है ये वाले कंटेंट के अंदर, यहाँ से ट्राई ब्लॉक के अंदर जो हमारा होता है, मतलब ये जो सर्विस रिक्वेस्ट करके होता है यहाँ पे आता है, सर्विस रिक्वेस्ट मेथड के अंदर आता है फ्रेंड। ये जो सर्विस मेथड होता है ना इसके अंदर हमारा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो कंसेप्ट, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा कमेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको क्लोज करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो टू द नीडी पर्सन, टू द नीडी स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।